नमस्कार दोस्तों, बेडी वाइब्स के आज के सरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। बांग्लादेश में दो दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस कहानी के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी कि सुनकर आप लोगों की रात आज रोमांचक हो जाएगी, एक खौफ से भर जाएगी। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब कैसे कहां पर डिटेल में किसके साथ घटी थी। भाई दरअसल ये घटना आज से काफी साल पहले घटी थी, यानी कि आज से 45 साल पहले। दो दोस्त जो कि कोलकाता में रह के अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, दोनों की लाइफ बहुत अच्छी खासी कट रही थी, दोनों की शादी भी हो गई थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों पैसे पे नाम बताती हूँ, एक का नाम देव था और एक का नाम दिनेश था। जो दिनेश था ना, वो देव से बोलता है कि यार मुझे ना किसी छोटे से गांव में घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है, और मुझे बहुत टाइम से फिशिंग विशिंग करना होता है, गांव में घूमना, पेड़ पे चढ़ना, आम तोड़े खाना, ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो अपने गाँव में जाता था, तो वहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें मिलती थी, जो कि मेरा अभी गाँव भी नहीं है, मेरी फैमिली वाले भी नहीं है। तो क्या तेरे गांव में चले क्या अपन कभी? जैसा तूने बताया कि तेरा गांव है वेस्ट बंगाल के अंदर एक छोटा सा, तो वहां पे अपन जाएंगे तो वहां पे मस्ती कर सकते हैं। तो देव बोलता है हाँ यार जा तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपन को छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, छुट्टी मिलेगा उसका, कुछ दिन के लिए जाएंगे तभी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, एक दो दिन में क्या ही कोई इंजॉय करता है। तो ये लोग ऐसा ही डिसाइड करते हैं, ये अपनी वाइफ लोगों से बात करते हैं और उसके बाद अपनी कंपनी में छुट्टी अप्लाई कर देते, उनको छुट्टी मिल जाती है 8-10 दिन की। उसके बाद ये लोग कोलकाता से निकल जाते हैं वेस्ट बंगाल जाने के लिए। वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद ये लोग बस से या जो भी उस टाइम पे साधन चलती थी उससे ट्रेवल करके उसके देव के गांव में पहुंच जाते हैं। उसके गांव में पहुंचते हैं, वहां पे जाने के बाद दिनेश बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वहां का माहौल था ही इतना ज्यादा सुंदर। एकदम छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, झोपड़ी टाइप के मिट्टी के घर, और लोग वहाँ पे हैं, वो भी हर इंसान खुशी खुशी हंस हंस के बात कर रहा है, बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो दिनेश के लिए एक बहुत अलग सा और अच्छा सा माहौल था। वहाँ पे जाता है और जो देव की माँ थी जो गाँव में बूढ़ी थी वहीं पर रहा करती थी, उनका घर था, तो माँ खाना वाना बना के रखी थी बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल गाँव वाले स्टाइल में, वो सारा खाना वाना खाते ही ये लोग, और उसके बाद ये लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दे। जैसा कि 8-10 दिन के लिए वहां पे आए थे, मस्त गांव घुमा रहा है देव अपने दिनेश को और मस्त एंजॉय कर रही है लोग, इनकी लाइफ अच्छी खासी निकल रही है। तभी एक दिन बोलता है दिनेश की यार अपन ना चलते हैं फिशिंग करने के लिए। तो देव बोलता है हाँ चल तो लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल कल ही चल लेते, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, जो फिशिंग का रहता है ना सब, जो भी सामान वामान वो लेके ये लोग निकल जाते हैं, जिस बोला था कल चलते उस दिन निकल जाते हैं ये लोग। उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोग को फिशिंग करनी थी, यानी कि एक तालाब पे। उस तालाब पे पहुंचते हैं, बहुत मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ढंग से फिशिंग करना आता नहीं था। जो दिनेश था उसको भी नहीं आता था और जो देव था उसको भी नहीं आता था, क्योंकि बहुत साल से वो शहर में कोलकाता में रह के ही पढ़ाई वढ़ाई भी किया था, वहीं पे जॉब वॉब कर रहा था, कि यार अपन फिशिंग कर नहीं पा रहे हैं, या शायद हो सकता है मछली अंदर जाकर छुप गई हैं, तो अपन को ना अलग टाइम पे आना पड़ेगा, जिस टाइम पे जाल बिछा के चले जाते हैं और फिर बाद में आके पकड़ के ले जाएंगे या जो भी करना होगा वो कर लेंगे। तो दिनेश बोलता है नहीं यार मजा नहीं आएगा। दिनेश बोलता है अपन कल सुबह जल्दी जल्दी आते हैं और उस टाइम पे आके अपन फिशिंग करेंगे, तो मॉर्निंग का टाइम मजा भी आएगा। तो बोलता है देव नहीं यार हम इतनी सुबह अंधेरे में वहाँ पे नहीं आ सकते। तो दिनेश बोलता है क्यों वहाँ पे आने में क्या प्रॉब्लम है? तो देव बोलता है नहीं जो भी है मैं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे अपन नहीं आ सकते। तो दिनेश बोलता है बता नहीं यार क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों तू मना कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए? तो बताते हैं देव कि वहाँ पे ना वो जो तालाब है ना दिन में तो ठीक है, लेकिन रात के टाइम में वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जाता है, जब भी अंधेरा रहता है, रात हो या शाम हो कभी भी हो, अंधेरा होने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, अगर कोई जाता है तो वो इंसान वहाँ से जिंदा लौट के वापस नहीं आता। तो ये बोलता है क्या बात कर रहा है, ये तालाब बिल्कुल भी भूतिया कहीं से भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है, तो मुझे डराने के लिए बोल रहा है, तुझे नहीं आना है फिशिंग करने तो बोल दे यार, मैं तेरे गांव आया था एंजॉय करने के लिए और तुझे नहीं घुमाना है तो ऐसे नहीं लाना चाहिए था। थोड़ा सा मतलब गुस्सा करता है दिनेश उसके ऊपर, देव के ऊपर, कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई भूत आता है मार डालता है रात के टाइम में। तो देव बोलता है देख यार मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूंगा, यहाँ पे बहुत टाइम से बहुत सालों से ये किस्सा चलता आ रहा है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तुझे फिर भी आना है तो मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है कल आ जाएंगे 4-3 बजे का, जितने बजे बोलेगा उतने बजे करीब अपन आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसा ही होता है, ये लोग घर पे आते हैं रात रात में खाना वाना खाते हैं और सब लोग अलग अलग जगह पे, ये लोग अलग जगह पे रुके हुए थे, जैसे मतलब अलग अलग छोटा छोटा घर होता है ना गांव में, कि ये घर मेहमानों के लिए एक अलग से रखा जाता है, गेस्ट हाउस जैसा रहता है, छोटा सा अलग से बना दिया जाता है। तो वहाँ पे दिनेश और उसकी वाइफ उसकी फैमिली रह रही थी, और जो ये था देव वो अपने माँ के घर में वहाँ पे रह रहा था, ऐसा वाला था। ये लोग खाना वाना खा के वहाँ पे अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात के 3:30-4 बजे का टाइम होता है ना, तभी अचानक से देव की आंख खुलती है, सोचता है कि अरे यार दिनेश बोला था तुझे आऊंगा उठाने के लिए, अपन फिशिंग करने के लिए जाएंगे, आया क्यों नहीं अभी तक, समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाके देखूं क्या। फिर सोचता है अच्छा ही यार भूल गया तो वैसे भी वहाँ पे जाना सेफ नहीं है, तो वो ऐसे बहाना सोचता है कि चलो उसको नहीं बुलाऊंगा, अच्छा वो भूल गया, कल वापस कोई बहाना बता दूंगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग कोलकाता निकल जाएंगे, उसको नहीं ले जाना पड़ेगा रात के टाइम में। तो ऐसे ही सोच के देव सोने के लिए वापस से अपने बेड पर चला जाता है, सो रहा होता है, अभी सोए हुए उसको 5 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक से बाहर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, भाई उठ जा, मैं उठ गया हूँ, चलेंगे नहीं क्या अभी, देख बहुत टाइम हो गया है। सोचता है कि मैं सोच रहा था ये सोया हुआ है, उठा नहीं है, तो उठ के आ गया। तो बहुत देव को सोचता है कि अरे क्या करूँ, अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, अपना फिशिंग वाला सामान उठाता है तो, और उसके बाद उठा के लेके आगे आगे बढ़ने लगता है। तभी बोलता है वो जो दिनेश था वो आगे आगे थोड़ा खड़ा था, थोड़ा सामने दूर साइड खड़ा था, बोलता है अरे भाई तू फिशिंग की चीज़ें मत लेके चल, मेरे पास 2 है एक्स्ट्रा लिया हूँ, तो अपन इसी से कर लेंगे, 2 ले जाने की जरूरत नहीं, तू रख दे घर पे ही। तो सोचता है देव कि हाँ यार ठीक है, 2 बोल रहा है तो मैं क्यों ले चलूँ अपना, अपना घर पे रख देता हूँ। वो अपना घर पे रख देता है और दोनों चलने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ ना इसको देव को बहुत वियर्ड लग रही थी, कि जो दिनेश था ना आगे आगे चल रहा था और इससे कम बात कर रहा था, बहुत कम बात कर रहा था, आगे आगे चल रहा है जैसे कि भाग भाग के जा रहा है, वो इससे कुछ मतलब नहीं है, ऐसा वाला उसको फील होता है। फिर थोड़ा बात करते हैं, बोलता है क्या हुआ भाई दिनेश, तू ऐसे भाग भाग के क्यों चल रहा है, रुकना मैं भी चलता हूँ साथ में, तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा और आगे आगे भाग रहा है, और आगे भाग रहा है। ऐसे भागते भागते ये लोग अपने घर से 1 किलोमीटर इतना दूर आते ही हैं, इसको डाउट होता है देव को कि ये दिनेश है भी कि नहीं, लेकिन वो बोलता नहीं, सोचता है कि पीछे से देखने से दिनेश ऐसा लग रहा है कि दिनेश नहीं है, मैं घर से निकला तो मुझे लग रहा था दिनेश ही है, पीछे से वैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये कोई और है, वो नहीं है, मैं इसके पीछे पीछे इतने दूर से क्यों आ रहा हूँ। लेकिन बिना कुछ बोले बिना कुछ समझे उसके पीछे पीछे जैसे कि वो अट्रैक्ट हो रहा है, पीछे पीछे जाते जाते तालाब के पास पहुंच जाते हैं दिनेश और देव। दिनेश पहले पहुंच गया था और देव थोड़ा दूरी पे खड़ा था। तभी बोलता है देव कि भाई तू भाग भाग के आया, तू बता नहीं रहा है। जब जैसे ही वो अच्छे से नोटिस करता है ना वहां पे तालाब के पास पहुंच के, वो उसके जब चेहरे को नोटिस करता है तो वो पाता है ये तो दिनेश है ही नहीं, ये तो कोई और है। बहुत गुस्से में आता है और जोर से चिल्लाता है, कौन हो भाई तुम और मुझे ऐसे यहाँ पे लेके आ गए, और तुम मेरे दोस्त बोल के मुझे यहाँ पे छल के यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी, और तुम हो कौन, मैं तुम्हें पहले कभी अपने गांव में देखा नहीं है, तो बताओ कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ पे लेके आए। जैसे ये बात बोलता है ना देव, वैसे जो इंसान की शक्ल दिखाई दे रही थी ना, उसकी मुंडी यहाँ से लिटरली उसके सामने गायब हो जाती है, उसका सिर यहाँ से गायब हो जाता है और उसका सिर्फ धड़ दिखाई देता है, सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देता है, ये गला दिखाई नहीं देता है। वो जब उसको देखता है ना ये, तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देव सोचता है कि ये क्या है, अभी मेरे सामने नॉर्मल सा इंसान दिखाई दे रहा था, अभी मेरे सामने ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इंसान है भी कि नहीं, मैं किसी भ्रम में किस छल में फंस के आ गया। अभी वो भागने की कोशिश करता ही है ना, जैसे भागने के लिए मुड़ता है अपने सामने उसी इंसान को पाता है, और वो इंसान इसकी जो सिर था ना मुंडी का से पकड़ के मरोड़ देता है, और वहीं पे देव खत्म हो जाता है। अभी किसी को कुछ भी भनक नहीं है पूरे खानदान में, पूरे घर में, ना ही दिनेश को भनक है, ना इसके घर वालों को भनक है कि आखिर कहाँ है देव। सब लोग ढूंढते ढूंढते, फिर लगता है दिनेश जब उठता है सो के, रियल वाला दिनेश सो के उठता, सोचता है कि यार मुझे उठाने नहीं आया देव, जाता है उसके घर पूछता है तो बोलता है तो मछली मारने चला गया कब का। तो ऐसे ही सोच के वापस से दिनेश आता है तालाब के साइड, तो क्या पाता है कि तालाब के जस्ट किनारे वहीं पे देव ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी मुंडी पूरी ऐसे टेढ़ी पड़ी हुई है। और जाके चेक करता, हाथ हाथ पकड़ता है तो पाता है कि ये तो खत्म हो गया है, ये तो है ही नहीं इस दुनिया में। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है जोर से। उसका बेस्ट फ्रेंड था, दोस्त था उसका, आखिरकार बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उसमें से एक बुड्ढा आता है उधर से निकलते हुए, बोलता है कि बेटा तुम लोग कहीं यहाँ पे रात के टाइम में तो नहीं आए थे,
तो दिनेश बोलता है नहीं नहीं हम लोग रात के टाइम में नहीं आए थे, मैं तो नहीं आया था लेकिन शायद मेरा दोस्त आ गया था, मुझे पता नहीं है, कुछ तो बहुत गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये अभी जिंदा नहीं है। वो आदमी बोलता है बेटा ये जिंदा हो भी नहीं सकता, यहाँ पे रात के टाइम में जो भी आता है ना वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। दिनेश बोलता है कैसे, मतलब क्यों खत्म होता है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मुझे देव ने भी ढंग से नहीं बताया था। तो बुड्ढा ने बताता है आज से 8-9 साल पहले की बात है, आज से 8-9 साल पहले यहाँ पे एक मछुआरा रहा करता था जो ऐसी मछली मारता था और वही बेचता था, उससे उसका घर चलता था। लेकिन एक टाइम पे डाकू लोग आते हैं और डाकू लोग उससे मछली मांगने की कोशिश करते हैं ऐसे फ्री में, बोलते हैं कि जितने मछली तुमने मारा है सब हमको दे दे। लेकिन ये जो मछुआरा था उसका घर उस मछली के बेचने की वजह से ही चलता था, तो ये मना कर देता, बोलता है कि नहीं बाबूजी मैं आपको नहीं दे सकता पूरा मछली, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं बेचूंगा नहीं तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। लेकिन डाकू लोग बोलते हैं तू जिंदा रहना चाहता है तो मछली दे दे पूरा पूरा उठा के, लेकिन मछुआरा उनसे बहसबाजी करता है और वो लोग उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए उस टाइम से उसका गला रह गई उसकी आत्मा तरीके से, उसको खत्म कर देते ना, उसका ये पार्ट अलग कर देते हैं, इसीलिए अभी वैसा टाइप का बिल्कुल बिना सिर वाला भूत दिखाई देता है। और जो भी रात के टाइम में या कभी भी ऐसे शाम के टाइम में अकेले आता है तालाब के पास, उसे वो ऐसे ही मार डालता है। बाप रे, दिनेश को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ, बहुत ही ज्यादा। यानी वहां पे जो जाता है उसका ये वाला पार्ट से अलग हो नहीं है रात के, अलग हो जाएगा या तो मुड़ा हुआ एकदम टूटा हुआ सा हो जाएगा ऐसा करके, हाँ या तो अलग ही हो जाएगा ऐसा वाला, मतलब वो अभी तक लोगों से बदला ले रहा है उस तालाब के पास से जो भी रात के टाइम में आता है, ऐसा वाला है, प्रेत योनि में चला गया है। तो फिर दिनेश बहुत रोया गाया, बोला कि मेरी गलती है, मेरे दोस्त जिसको बोल रहा था मना करा तो मैंने उसको फोर्स किया और वो आया और मेरी वजह से वो खत्म हो गया। दिनेश एक दिन में ही वहां से उसका अंतिम संस्कार सब कुछ होता है, उसके बाद वो चला जाता अपना शहर कोलकाता अपने फैमिली को लेके, और उसके बाद कभी भी किसी गाँव में ऐसे जाने की कोशिश नहीं करता है। और जो पूरी की पूरी घटना है ना इसी के दिनेश के पोते ने ही लिख के भेजा है इंस्टाग्राम में। अच्छा, पोता काफी समय भी बहुत टाइम भी तो हो गया। खैर, ये जो घटना थी ये बड़ी ही ज्यादा दर्दनाक थी, सुनने में एक अजीब सा डर भी लगा और साथ ही साथ एक ऐसा जो सहमापन आता है ना वो भी लगा कि यार अनजान जगह में जाने से पहले अब तो कई बार सोचना पड़ेगा। वही तो। खैर, उम्मीद करते हैं कि अब तक वो अपनी उस कड़वी यादों से निकल गए होंगे। अब तक आपने इस वीडियो को देख लिए तो लाइक भी करते होंगे, हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।